हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनेस एजुकेयर टुडे वी आर लर्निंग टेंथ मैथमेटिक्स पार्ट वन आज हम टेंथ मैथमेटिक्स पार्ट वन का स्टडी करने वाले हैं ठीक है थीके? तो आपका ये फर्स्ट वीडियो है तो यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स पार्ट वन ये आपका बुक का फ्रंट कवर है यहाँ पर देखिए कुछ आपको यहाँ पर इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पर कुछ पाई चार्ट दिख रहा है यहाँ पर कुछ नंबर्स दिख रहा नंबर है इसका मतलब ये जो पार्ट वन है आपका Algebraic जो पार्ट है उससे रिलेटेड होगा ठीक है तो आई बात समझ में तो यहाँ पर पार्ट वन का जो फर्स्ट चैप्टर है इक्वेशन इन okay? तो इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले देखिए फर्स्ट हम देखेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन दैट ग्राफिकल मेथड से और क्रैमर्स मेथड से दोनों मेथड से हम यहाँ पर ये जो साइमल लीनियर इक्वेशन है

ये जो चैप्टर का आज का ये पार्ट वन है तो ये वीडियो का पार्ट नंबर वन है तो इसमें हम पहले देखेंगे लीनियर इक्वेशन होते क्या है टू वेरिएबल्स क्या है दिन उसके बाद कुछ हम यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे ठीक है तो आइए शुरुआत करते हैं तो इस पार्ट नंबर वन की वीडियो नंबर वन की ओके okay? तो फर्स्ट देखेंगे हम यहां पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ओके जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में उसे हम देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं ऑलरेडी हमने अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखा था ओके स्टैंडर्ड सेवेंथ में ओके okay? तो अगर मैंने यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन लिखा ठीक है 2x एक्स प्लस वाई ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा यहाँ पर क्या है x एंड y दिज आर द वेरिएबल्स इसे हम वेरिएबल क्यों कहते हैं क्योंकि एक्स एंड वाई की ये जो वैल्यू है ये फिक्स नहीं होती ये वेरिएबल होती है चेंज होती है इसलिए हम यहाँ पर एक्स एन वाई लिखते हैं तो यहाँ पर एक्स एन वाई क्यों लिखा आप दूसरे भी जो अल्फाबेट से वो भी इसे लिख सकते हैं ठीक है ठीके? आप एम लिख सकते हैं एन लिख सकते हैं एस लिख सकते हैं टी लिख सकते हैं डी ए कुछ भी आप अल्फाबेट्स यहाँ पर लिख सकते बट जनरली एक्स एन वाई ही लिखा जाता है ठीक है तो अगर मैंने इसको टू एक्स प्लस वाई इस एक्सप्रेशन को अगर यहाँ पर इक्वल टू जीरो कर दिया तो ये बन जाता है हमारा इक्वेशन ठीक है इससे हमें एक्स एन वाई की कोई भी यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो ये इजीली हम पर फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है ठीके? और जो भी एक्सप्रेशन है उसके इज इक्वल टू हमने लिखा ठीक है देन लीनियर इक्वेशन इक्वेशन तो हमें पता चला बट यहाँ पर इसे लीनियर इक्वेशन क्यों कहे तो जो भी इक्वेशन जिसकी ग्राफ मतलब जो भी ग्राफ है उसका ग्राफ जो है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आता है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे ठीक है और यहाँ पर टू वेरिएबल क्यों जहां पर टू वेरिएबल्स होने चाहिए और उन्हीं वेरिएबल्स की डिग्री जो है यहाँ पर वन होनी चाहिए उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ओके आपने अगर यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो ये जो इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है ठीक है यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया ठीक है ऐसा आ सकता है यहाँ पर कैसे भी आ सकता है बट इनका जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है ठीक है हम ये कैसे ग्राफ ड्रॉ प्लॉट करते हैं वो आ, आने वाले पार्ट में देखने ही वाले ठीक है कोई बात नहीं इसमें बट टू एक्स प्लस वाईज टू जो रही हमारा लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स का तो इसका रूल देखिए क्या पर और इसके डेफिनेशन क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डेफिनेशन देख लेते ठीक तो है तो डेफिनेशन है एन इक्वेशन ओके इक्वेशन ओके एन इक्वेशन विच कंटेंस ओके विच कंटेंस टू वेरिएबल ओके वेरिएबल क्यों वेरिएबल क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती है वेरिएबल होती है इसलिए तो वेरिएबल होने कहेंगे हम तो ये वेरिएबल कोई भी अल्फाबेट्स हो सकते हैं ठीक है एंड द डिग्री ओके द डिग्री ये डिग्री कौन सी मतलब इसकी पावर ठीक है ध्यान रखना ये डिग्री इसकी जो पावर होती है यहाँ पर वन टू एक्सक्वेर होता है एक्स क्यूब होता है तो टू थ्री क्या हो जाएगा यहाँ पर इसकी डिग्री हो जाएगी इसकी पावर बन जाएगी तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर वेरिएबल्स है उनकी जो डिग्री है उनकी जो पावर है यह ऑलवेज वन ही होनी चाहिए ठीक है डिग्री ऑफ ईच टर्म ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग ओके कंटेनिंग वेरिएबल ओके वेरिएबल इज वन ओके इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स Okay, आई बात समझ में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ओके तो इसका जनरल फॉर्म देखिए क्या होगा इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लीनियर इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म है ठीक है तो यहां पर देखिए एक्स एंड वाई दिज आर द टू वेरिएबल्स ए बी सी दिज आर द ए एंड बी दिज आर द को सी इज ए कॉन्स्टेंट नंबर ओके ये नंबर okay? है सी इज ए कॉन्स्टेंट नंबर और यहाँ पर जीरो आ जाएगा ये इसका जनरल फॉर्म है तो आपने देखा होगा कई बार ये जो वैल्यू है यहाँ पर मतलब एक्सप्रेशन कर ऐसा हो थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो तो ये ऐसा हो तो एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर जनरल फॉर्म हम हमने क्या लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिखा है यहाँ पर प्लस लिखा है माइनस आया तो क्या होगा देखिए यहां पर b की वैल्यू कोई भी यहाँ पर रियल नंबर हो सकती है, है? है। ठीक ये ध्यान में रखना a a एंड b, b की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए अगर यहां पर जीरो आ गया कब मतलब चला जाएगा मतलब एक वेरिएबल यहां से चला जाएगा इसका मतलब यह यहाँ पर एक का इक्वेशन बन जाएगा बट हमें टू वेरिएबल क्योंकि नेम भी हमने लिखा है ना टू वेरिएबल्स लिखे यहाँ पर टू वेरिएबल्स होने ही चाहिए इसलिए ए एंड बी कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होंगे और ए बी सी दिज आर द रियल नंबर रियल नंबर किसे कहेंगे किसी पर जो भी नंबर इस नंबर लाइन पे शो करते उसे हम रियल नंबर कहेंगे बट इन दैट ओनली ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो सी इक्वल टू जीरो हो सकता है ठीक है सी की वैल्यू जीरो हो सकती है तो यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ठीक है यहां पर देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी यहाँ पर देखिए अगर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व इसे मुझे यही मैंने इसे सिर्फ यहां पर ट्वेल्व डाल दिया तो इसे मुझे जनरल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं इसको थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो आ गया यहाँ पर देखिए थ्री माइनस फोर एंड माइनस ट्वेल्व दीज आर द रियल नंबर क्योंकि ये निगेटिव इंटीजर्स है बट ये रियल नंबर है इसे हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं ठीक है देन यहाँ पर रूट टू रूट फाइव रूट टू रूट फाइव ये दिज आर द रूट सेवन रूट सिक्स दिज आर ऑल्सो रियल नंबर बिकॉज हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड एट में देखा था ठीक है ये इेशनल नंबर से बट ये रियल नंबर है ठीक है ऑलरेडी हमने पढ़ा था इसके बारे में ठीक है देन जो भी नंबर हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं उसे हम रियल नंबर कहेंगे बट आपको ध्यान रखना है ए एंड बी कभी भी जीरो नहीं होगा सी कभी भी जीरो हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर देखिए थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो पर ए की वैल्यू है थ्री बी की वैल्यू है माइनस फोर एंड सी की वैल्यू जीरो है क्योंकि यहाँ पर सी कहीं पर नहीं है तो यहाँ पर सी की वैल्यू जीरो बन जाएगी तो ये इसका जनरल फॉर्म हो सकता है ठीक है सी की वैल्यू जीरो हो सकती है बट ए एंड बी कभी भी जीरो नहीं होगा ठीक है तो आई बात समझ में सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना है एक्स की पावर डिग्री जो है यहाँ पर ऑलवेज वन ही होनी चाहिए एक्स एंड वाई के मतलब जो भी वेरिएबल्स है उनकी डिग्री या तो पावर ऑलवेज वन ही होगी एंड उनके जो कोइफिशेंट है ये जीरो नहीं होंगे एंड ए बी सी दिज आर द रियल नंबर ओके आई बात समझ में जाएगा देखिए इसका रूल क्या होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पहला रूल हम क्या कहेंगे एक्स एंड वाई का जो डिग्री है पावर जो है डिग्री ओके okay, ये बुक के आपके जो बुक है यहाँ पर इसमें लिख लीजिए डिग्री वन ही होनी चाहिए ठीक है डिग्री वन होनी चाहिए सेकेंड हमारा रूल क्या कहता है ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड थर्ड रूल क्या कहता है ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर ओके ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा आप नोट डाउन करके रख दीजिए ठीक है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको पहले समझ में तो आना चाहिए दिया हुआ एक्सप्रेशन जो है दिया हुआ इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं टू वेरिएबल्स का ठीक है तो यहाँ पर आपके बुक में एक फर्स्ट पेज पर एक चार्ट दिया है ये है आपका चार्ट तो यहाँ पर आपको पूछा है यहाँ पर ये यह जो इक्वेशन यहाँ पर उन्होंने दिए है दीज आर द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है या तो नहीं हम यहाँ पर लिखना है ठीक है यहाँ पर एस एन नो के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट दिया है फोर एम प्लस थ्री एन इज इक्वल टू ट्वेल्व उन्होंने यहाँ पर इसका आंसर दिया है ये yes. बट हम यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं है या नहीं तो यहाँ पर फिर से मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ फोर एम प्लस थ्री एन इज इक्वल टू ट्वेल्व देखिए हमारा फर्स्ट रूल, फर्स रूल क्या कहता है जो भी वेरिएबल है उनकी पावर यहाँ पर वन है या नहीं देखिए m की पावर वन है n की भी पावर वन है एम एंड एन की पावर दोनों की भी वन है मतलब फर्स्ट रूल तो हमारा सेटिस्फाई हो गया सेकेंड रूल क्या कहता है ए एंड बी इक्वल टू जीरो नहीं होनी चाहिए फोर एंड थ्री है इसका मतलब ए एंड बी इक्वल टू जीरो नहीं है ओके ए एंड बी ये जीरो नहीं है ओके देन उसके बाद देखिए हमारा थर्ड रूल क्या कहता है ए बी सी

लिखते है ठीक है ये जो लिनियर इक्वेशन जो आ, आपको आएंगे ज्यादातर ये एम एंड एन के फॉर्म में या तो एक्स एंड वाई के फॉर्म में ही आएंगे ठीक है इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है फोर एम प्लस थ्री एन माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो पर ए की वैल्यू क्या है फोर है बी की वैल्यू है थ्री सी की वैल्यू है माइनस ट्वेल्व ओके और ये एम एन सॉरी यहाँ पर एन होना चाहिए यहाँ पर एन है फोर एम प्लस थ्री एन माइनस ट्वेल्व ओके फोर एम प्लस थ्री एन माइनस ट्वेल्व इन दैट दीज आर वेरिएबल्स जिनकी पावर वन है थ्री रियल टू जीरो नहीं है ठीक है? है. ये नहीं इसका मतलब ये हमारा है इसलिए हमने यहाँ पर एस लिखा ठीक है आई बात समझ में तो नेक्स्ट देखिए थ्री एक्स स्क्र माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको क्या दिख रहा है एक्स की पावर टू है ये हमारे फर्स्ट रूल में ही नहीं बैठता इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरियबल हरेगेज ही नहीं हो सकता हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है एक्स एंड की तो है, पावर डिग्री है, है, तो no लिखेंगे इसे हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं ठीक है ऑलरेडी हमने देखा था नंबर लाइन पे हमने शो भी किया था ओके okay? ये ये हमने कब देखा था प्रीवियस कपोर जो स्टैंडर्ड है ए स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था ठीक है रूट टू रूट फाइव कैसे शो के थे ठीक है आपको ऑलरेडी पता है ठीक है तो नहीं पता है फिर भी मैं आपको बता देता तो यहाँ पर ये रूट फाइव रूट टू दीज आर द रियल नंबर ओके तो यहां पर देखिए इसके वेरिएबल्स क्या है एक्स एंड वाई है इनकी पावर वन है क्या यहाँ पर ये इनकी दोनों की भी पावर वन है यहाँ पर कोई नहीं होता इसका मतलब यहाँ पर वन ही होगा ठीक है यहाँ पर वन होगा तो ये फर्स्ट रूल तो सेटिस्फाई हो गया सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है ए एंड बी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए

जीरो एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो अभी देखिए फर्स्ट रूल तो एक्स एंड वाई की पावर वन है बट सेकेंड रूल यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है हमारा क्या सेकेंड रूल था हमारा ए एंड बी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए बट यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो आई मतलब ये जीरो एक्स यहाँ पर कैंसिल हो गया इसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं आ जाएगी ठीक है ये जीरो बन गए जिससे देखिए यहाँ पर जीरो से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करे तो उसकी वैल्यू जीरो ही आएगी ठीक है अगर मैंने जीरो से मल्टीप्लाई किया वन से जीरो से मल्टीप्लाई किया टू से कोई भी नंबर मैंने अगर जीरो से मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू जीरो ही आएगी बिकॉज जीरो एंड एक्स का क्या रिलेशन है यहाँ पर इनका मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है जीरो एंड एक्स का मल्टी रूल क्या है यहाँ पर देखिए इनका रिलेशन क्या है जीरो मल्टीप्लाई एक्स लिखेंगे ना यहाँ पर ठीक है जीरो एंड एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई में है इसका मतलब कोई भी वैल्यू हम डाले तो उसका आंसर जीरो ही आएगा मतलब ये यहाँ से चला गया देखिए यहाँ पर कितने वेरिएबल्स बच गए यहाँ पर ओनली वन ही वेरिएबल बच गया ओके okay, तो ये हमारे टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन तो है बट ये सिंगल वेरिएबल का है इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे नो ओके जीरो पॉइंट थ्री एक्स प्लस जीरो माइनस थर्टी सिक्स इन दैट वाई का वेरिएबल उन्होंने जीरो दिया है मतलब ये भी नहीं है जैसे हमने प्रीवियस में देखा तो यहाँ पर सिक्स नंबर देखिए ठीक है थीके? ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग वाला दिया है ठीक है तो यहाँ पर देखिए फोर एक्स प्लस फोर फाइव वाई Is equal to four. तो आपको यहाँ पर लग रहा होगा x की पावर तो यहाँ पर वन है y की पावर भी वन है पर पर a की वैल्यू क्या बन जाएगी देखिए a की वैल्यू भी यहाँ पर फोर फाइव है इसका मतलब ये जीरो नहीं है इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन वेरिएबल है ठीक है बट यहाँ पर देखिए आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है x क्योंकि यहाँ पर x डिनोमिनेटर में अगर मैंने वन बाय एक्स इज इक्वल टू एम कंसिडर किया ठीक है वन बाई एक्स को मैंने एम कंसीडर किया एंड वन बाय वाई को मैंने एन कंसिडर किया तो ये हमारा इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगा फोर वन बाय एक्स मतलब देखिए अगर मैंने इसको यहाँ पर फोर मल्टीप्लाई बाय वन बाय एक्स लिखा तो कोई बात नहीं फाइव मल्टीप्लाई बाय वन बाय वाई लिखा तो कोई बात नहीं इज इक्वल टू फोर ओके तो वन बाय एक्स की जगह पर मैंने एम लिखा यहाँ पर फोर एम प्लस फाइव वन बाय वाई की जगह पर एन लिखा इज इक्वल टू फोर देखिए आ गया एम के पॉवर एन के पावर वन है, है और ये हमारे तीनों भी रूलिएवन नंबर फोर एक्स वाई माइनस फाइव वाई माइनस एट यहाँ पर देखिए फर्स्ट रूल हमारा okay, Now, number, हमार क्या कहता है एक्स एंड वाई की पावर वन होनी चाहिए और यहाँ पर टू वेरिएबल्स होने चाहिए बट यहाँ पर देखिए फर्स्ट यहाँ पर एक्स एंड वाई मतलब टू वेरिएबल्स है यहाँ पर एक वाई मतलब ये टू वेरिएबल की कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है ठीक है तो यहाँ पर ये इक्वेशन नहीं होगा देखिए फोर एक्स वाई हमारा तो जनरल फॉर्म क्या कहता है ए एक्स होना चाहिए ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए बीवाई एंड सी की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है बट ए एक्स की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही बिकॉज यहाँ पर सिंगल वेरिएबल जाए बट यहाँ पर टू वेरिएबल्स है इसका मतलब ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है तो ये आपका चार्ट कंप्लीट हो गया ठीक है तो आपको ध्यान में रखना है ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका ग्राफ जो है अगर हम प्लॉट करें इसका ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही आता है ओके बात समझ में नवीसी नेक्स्ट वन नेक्स्ट है साइमल्टेनियस इक्वेशन ओके नेक्स्ट है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन

ये मैंने दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के यहाँ पर लिख दिए तो ये क्या बन जाएगी साइमल्टेनियस इक्वेशन कहेंगे ठीक है फिर इसमें डेफिनेशन इसकी रिपीट कर देता हूँ वेन वी थिंक अबाउट टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एट द सेम टाइम इन दोनों का भी थिंग्स अगर कर हम करें तो ये क्या बन जाते हैं ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन जाते हैं ठीक है ठीके? तो लास्ट ईयर में हमने देखा था साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं ठीक है ऑलरेडी हमने लर्न किया है बट जस्ट हम यहाँ पर इनकी रिवाइज कर लेते ठीक है ये कैसे सॉल्व करते हैं हमने दो मेथड्स देखे थे ठीक है तो लास्ट ईयर में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन जो सॉल्व किए थे वो कैसे किए थे इलिमिनेटिंग इलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व किया था ठीक है बट ये जो दो और एक मेथड है यहाँ पर वो दोनों मेथड से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे ठीक है हम एग्जाम्पल देख लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल है सॉल्व एक्जाम्पल सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ये सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें सॉल्व करना है देखिए क्या इक्वेशन है फोर फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एट थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू Okay, ये इक्वेशन दिया है हमें इसे सॉल्व करना है अभी इसे सॉल्व करना मतलब करना क्या है हमें ये तो पता होना चाहिए ना सॉल्व करना मतलब करना क्या है तो यहाँ पर हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो टू वेरिएबल के जो इक्वेशन का ग्राफ जो यहां पर स्ट्रेट लाइन आता है ठीक है अगर मैंने इसको ग्राफ में देखा डिनोट किया तो फाइव एक्स माइनस थ्री वाइव इजिक्वल टू एट का एक सीधी लाइन अगर यहां पर आ गई ठीक है ये फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इज इकव टू एट यहाँ पर आ गई ठीक है देन थ्री एक्स प्लस वाई इज इकल टू ये एक अनदर लाइन है तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ की ठीक है तो ये ऐसे आ गई तो ऑलरेडी हमें पता है अगर यहाँ पर टू लाइन है ये इंटरसेक्ट ओनली इन वन पॉइंट ये वन पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पर इसका रिस्पेक्टिव पॉइंट देखिए ये यहाँ पर आ गया मतलब ये हमारी बन जाती है x की वैल्यू और ये हमारी बन जाती है y की वैल्यू इसका मतलब यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर टू लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं उनका इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं उनकी जो एक्स एंड वाई की वैल्यू है ऑलवेज एक ही आती है ठीक है एक्स एंड वाई की सेम यहाँ पर देखिए एक्स एंड वाई की दोनों के यहाँ पर भी एक्स ये दोनों की वैल्यू एक सेम ही आएगी ठीक है दोनों का हमें एक साथ ही हमें सॉल्व करना है ठीक तो है तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट मेथड है फर्स्ट मेथड से हम पहले सॉल्व कर लेते हैं फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एट एंड थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू तो फिर से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एट देन थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू इन दैट देखिए माइनस थ्री वाई है यहाँ पर प्लस वाई है इलिमिनेशन करना है मतलब किसी को हमें यहाँ से हटाना है तो क्या कर लेते हैं देखिए प्लस टू एंड माइनस टू कैंसल हो जाता है इसी तरह से हम क्या करेंगे किसी जो एक वेरिएबल का जो coefficient है वो इक्वल करने की कोशिश करेंगे ठीक है यहां पर देखिए माइनस थ्री है यहाँ पर वाई है इसका मतलब अगर हमें इस इस इक्वेशन को अगर थ्री से मल्टीप्लाई करें तो ये थ्री वाई यहाँ पर आ सकता है और माइनस थ्री वाई थ्री वाई हम कैंसिल कर सकते हैं ठीक है थीके? तो पर कैसे सॉल्व करेंगे तो पहले हमें इक्वेशन पहले लिख लेना है उसे हम नंबर देंगे फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एट यह हमारा इक्वेशन नंबर वन बनेगा देन उसके बाद थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा देअर फॉर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर टू बाय थ्री ओके मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन टू बाय थ्री देखिए क्या आ जाएगा आंसर दोनों साइड मतलब ये एल एच एस और ये आर एच एस दोनों साइड को हमें थ्री से मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पर थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री क्या आ जाएगा देखिए थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई बाय टू तो इसका आंसर क्या देखिए क्या आ जाता है थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री नाइन एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री टू दिक्स तो ये हमारा इक्वेशन नंबर थ्री बन जाएगा ठीक है अभी देखिए इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू इन दैट यहाँ पर थ्री वाई है यहाँ पर थ्री वाई है मतलब ये इलिमिनेशन हो सकता है तो हम क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पर मैंने इसको अगर यहाँ पर देखिए अगर इन दोनों की भी अगर मैंने एडिशन कर दी तो ये यह यहाँ से निकल जाएगा देखिए यहाँ पर क्या कैसे लिखे? लिखेंगे हम यहाँ पर नाइन एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स यहाँ पर हम एडिशन करेंगे दोनों इक्वेशन के तो यहाँ पर देखिए फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एट ओके हम यहां पर क्या लिखेंगे लेट्स डू द एडिशन ऑफ इक्वेशन नंबर वन एंड थ्री ओके नाउ लेटस एड इक्वेशन वन एंड थ्री ओके देखिए यह हमारा इक्वेशन वन है यह हमारा इक्वेशन थ्री है ठीक है यहाँ पर आप कोई भी ये वाला फर्स्ट इक्वेशन ऊपर लिखें या तो ये नीचे लिखे कोई बात नहीं इसमें ठीक है यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे एक तो इनका हमें एडिशन करना है मतलब देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा यहाँ पर इसका एडिशन करना है प्लस और यहाँ पर प्लस देखिए यहाँ पर प्लस फाइव की वैल्यू यहाँ पर साइन कौन सा है प्लस है तो पर प्लस 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 ही हो जाएगा मतलब यहाँ पर प्लस आ जाएगा ठीक है देन प्लस माइनस तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा ठीक है प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा देन उसके बाद देखिए प्लस प्लस यहाँ पर प्लस हो जाएगा ठीक है ऑलरेडी हमें पता है ये रूल देखिए यहां पर नाइन एक्स प्लस फाइव एक्स क्या हो जाएगा नाइन एक्स प्लस फाइव एक्स ये बन जाता है 14x एक्स प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा प्लस थ्री एंड माइनस थ्री यहां पर से कैंसिल हो जाएगा देर फोर यहाँ पर इसका आंसर जीरो पर हम प्लस जीरो लिखे या तो नहीं लिखे कोई बात नहीं देन सिक्स प्लस एट यहां पर आ जाएगा सिक्स प्लस एट आ जाता है 14 देर फोर एक्स इज इक्वल टू फोरटीन बाई फोरटीन देर फोर एक्स इज इक्वल टू वन बात समझ में देखिए हमने कैसे सॉल्व किया ये लीनियर इक्वेशन हमने सिर्फ यहाँ पर इनके एडिशन की तो ये एडिशन में नाइन एक्स प्लस एक्स मैं यहाँ पर फिर से आपको दिखा देता हूँ देखा था एक्सप्रेशन में इनकी जो तो एडिशन करनी है तो ये वेरिएबल से हमें कॉमन लिखना है और ये जो कोइफिशेंट है उनकी एडिशन करनी है ठीक है नाइन प्लस फाइव यहाँ पर फोर्टीन एक्स आ जाएगा ठीक है तो ये आ जाएगा फर्स्ट का देन उसके बाद प्लस थ्री वाई माइनस थ्री वाई इसका अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना था इनके कोई फिशन के यहाँ पर एडिशन करनी है ठीक है तो देखिए यहाँ पर अगर मैंने इसे ऐसा लिखा ठीक है एडिशन मतलब थ्री इन ब्रैकेट क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस है ना इस यहाँ पर देखिए माइनस थ्री वाई है इसलिए मैंने माइनस थ्री वाई लिखा देन मैंने ब्रैकेट ओपन किया थ्री वाई माइनस थ्री वाई देन उसके बाद अगर मैंने यहाँ पर y कॉमन निकाला तो थ्री माइनस थ्री यहाँ पर y आ जाएगा थ्री माइनस थ्री जीरो वाई मतलब इसका आंसर जीरो जाएगा। आई बात समझ इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गए ओके आई बात समझ में देन इसका आंसर क्या देखिए आंसर क्या आ गया यहाँ पर वन आ एक्स इज इक्वल टू वन अभी हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू वन इन इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे लेट्स वैल्यू इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर टू ओके लेट और सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन देखिए सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू वन इज इक्वेशन टू देखिए क्या आ जाएगा थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू थ्री मल्टीप्लाई बाय वन प्लस वाई इज इक्वल टू टू थ्री वन जा थ्री प्लस वाई इज इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू टू माइनस थ्री बिकॉज यहाँ पर थ्री प्लस में है उस साइड पे जाके वो माइनस हो जाएगा देर फोर वाई इज इक्वल टू माइनस वन ये हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है एक्स की वैल्यू क्या है वन है एक्स इज इक्वल टू वन वाई की वैल्यू क्या गई माइनस वन देअ सोल्यूशन क्या आएगा इसका सोल्यूशन यहां पर लिखना है आपको सोल्यूशन इज सोलूशन इज एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू माइनस वन ओके और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है एक्स कॉमो वाई इज इक्वल टू वन माइनस वन क्यों लिखा हमने एक्स कॉम वाई में क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया ये क्या है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन मतलब यह ग्राफ पर ये दोनों जहां पर भी देखिए यहां पर वन मतलब यहां पर आ जाएगा मतलब ये कहीं पर ऐसे अगर हो तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसके ये वेरिएबल्स है अगर मैंने इसको ग्राफ में प्लॉट किया ठीक तो तो है ठीक है तो ये इसका एक्स का कोइफिशेंट और ये इसका वाई का कोइफिशेंट इसलिए हमने एक्स कॉमन वाईक्वल टू वन माइनस वन लिखा ठीक है तो यहां पर माइनस वन वाई का माइनस वन इसका मतलब ये यह यहां पर इंटरसेक्ट नहीं हो रहा तो तो कहां पर हो जाएंगे एक्स वन मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रही है टू लाइन मतलब ये यह यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है ठीक है आई बात समझ में तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है ठीक है तो ये इसका पॉजिटिव एक्स और ये इसका निगेटिव वाई मतलब ये इंटर दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पर फोर्थ कॉर्डन में हो रहा है ठीक है इसलिए यहाँ पर वन एंड माइनस वन आ गया ठीक है आई बात समझ में ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हम आने वाले पार्ट में देखने ही वाले ठीक है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऑलरेडी हमने ग्राफ कैसे प्लॉट किया हमें पता है जस्ट मैंने आपको ये क्यों आ गया इसलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी ठीक है आने वाले हम पार्ट्स में हम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं कैसे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो सभी हम देखने वाले ठीक है कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है सॉल्व सेकेंड वन ओके तो और एक है देखिए दोस्तों पर इसी क्वेश्चन को अगर मैंने यहां पर सेकेंड मेथड से सॉल्व किया ठीक है अभी हम यहां पर इसी को सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे ठीक है यहां पर लिखे गए मेथड टू ओके मेथड टू है यहां तो पर फिर से मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूं फाइव एक्स माइनस थ्री वाई

तो ये इक्वेशन नंबर टू है इनमें से हम यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ये yes, कर सकते हैं देर फोर इक्वेशन नंबर टू में देखिए y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 3x इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा मतलब टू माइनस थ्री बन जाएगा ठीक है तो ये हमारा इक्वेशन नंबर थ्री बन गया देर फोर पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू टू माइनस थ्री इन इक्वेशन वन क्योंकि देखिए टू में क्यों नहीं हम पुट कर सकते हैं क्योंकि हमने टू का तो यहाँ पर थ्री इक्वेशन बनाया था इसलिए हमने इक्वेशन नंबर वन में इसको किया। थ्री इन ब्रैकेट वाई की वैल्यू क्या है टू माइनस हमें पर इसे सॉल्व करना है है ठीक कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे देखिए माइनस थ्री से सभी वैल्यू का हमें मल्टीप्लाई करना है ठीक है फाइव एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाई टू माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू एट देर फोर फाइव एक्स थ्री टू सा सिक्स माइनस सिक्स यहां पर आ जाएगा देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस थ्री थ्री नाइन एक्स यहां पर आ जाएगा एट इज इक्वल टू एट ओके बिकॉज देखिए थ्री मल्टीप्लाई बाई माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाता है बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन है ठीक है ये एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है यहां पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाता है माइनस प्लस हो माइनस प्लस माइनस होता है ठीक है एंड प्लस प्लस

आई बात समझ में तो अभी x इज इक्वल टू वन हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर टू में देर फोर पुट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन थ्री में अभी पुट करेंगे ठीक है अभी इक्वेशन नंबर थ्री में पुट कर लेते ठीक है देर फोर वाई इज इक्वल टू टू माइनस थ्री इन ब्रैकेट वन देर फोर टू माइनस थ्री थ्री वन सा थ्री देर फोर माइनस वन इज आवर आंसर वाई इज इक्वल टू माइनस वन आ गया ठीक है आई बात समझ में तो यहां पर देखिए x इज इक्वल टू वन आ गया एंड y इज इक्वल टू माइनस वन आ गया ये हमारी सब्सिट्यूट वाली मेथड है यहाँ पर मेथड टू भी है मेथड वन भी है ठीक है ये मेथड टू भी आसान है मेथड वन भी आसान है जो आपके जो भी आपको आसान लगे वो आपको मेथड इंप्लीमेंट करनी है ठीक है जो भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते उसे आप सॉल्व करना ठीक है दोनों भी मेथड सही है दोनों का भी आंसर सही ही आता है ठीक है जो भी आपको आसान लगे वो आप मेथड सॉल्व करना है बट अगर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होगा सब्सटीट्यूटिंग की मेथड की यूज करना है तो यहाँ पर आपको सब्सटीट्यूट वाली मेथड ही से ही वो जो इक्वेशन है वो सॉल्व करना है और अगर यहाँ पर एलिमिनेशन का मेथड दिया है क्वेश्चन में तो आपको ये ये जो एक्सप्रेशन है ये एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है ठीक है अगर क्वेश्चन में यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी तो आप दोनों मेथड्स में से कोई भी एक मेथड से उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर और एक न्यूमर हम देख लेते हैं तो यहां पर ये थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन एंड फाइव एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एट ओके अभी ये जो इक्वेशन हम दोनों मेथड से भी सॉल्व करेंगे ठीक है तो यहां पर फर्स्ट मेथड हम लिख लेते हैं ठीक है मेथड नंबर वन ओके okay? मेथड वन मेथड वन क्या है हमारी इलिमिनेटेशन इलिमिनेशन की ठीक है तो ये पहले हम क्या करेंगे इक्वेशन को जैसे कि वैसे लिख लेते हैं थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन ये हमारी इक्वेशन नंबर वन है देन उसके बाद इक्वेशन नंबर टू है अभी देखिए यहाँ पर किसी एक वेरिएबल का हमें कोएफिशिएंट क्या करना है इक्वल करना है सेम करना है पर देखिए यहाँ पर थ्री एक्स है यहाँ पर फाइव एक्स है तो यहाँ पर ये डिफिकल्ट हो जाएगा हम कर सकते हैं यहाँ पर थ्री एंड फाइव को अगर एलसीएम निकाला तो ये एक्स का भी कोएफिशिएंट इजी से हम यहां पर सेम कर सकते हैं बट यहां पर देखिए प्लस टू है यहां पर माइनस वन है ये हमें इजी पड़ेगा तो हमें आसान मेथड ही सॉल्व करना ठीक है थीके? आप निकाल के ये भी सॉल्व कर सकते हैं ठीक है कोई बात नहीं इसमें देन देखिए पर हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर टू को ये जो दोनों साइड है आर एच एस एंड एल एच एस दोनों साइड को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे ठीक है इसका मतलब मल्टीप्लाई इक्वेशन टू बाय therefore फोर फाइव मल्टीप्लाई बाई टू टेन एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू एटीन टू जा कितने जाते थर्टी सिक्स ओके ये आ गया हमारे इक्वेशन नंबर थ्री नाउ प्लस टू वाई एंड माइनस टू वाई ये कब कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस मतलब अगर मैंने इन दोनों के एडिशन किया तो ये प्लस टू वाई एंड माइनस टू वाई कैंसिल हो जाएगा देर फोर हम लिखेंगे थ्री एडिशन लेट एड इक्वेशन थ्री इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फर्स्ट लिखे या तो फर्स्ट लिखे कोई बात नहीं पर देखिए हम देखिए थर्ड हम यहां पर पहले लिख लेते हैं ठीक है माइनस टू वाईक्वल टू थर्टी एक्स बिकॉज टू प्लस फोर लिखा या तो फोर प्लस टू लिखा इसमें कोई बात नहीं है ठीक है आई बात समझ में देखिए यहां पर हमने हम यहां पर क्यों यहां पर ऐसे क्यों लिख रहे हैं यहां पर देखिए फोर प्लस थ्री प्लस फोर ये हम इक्वेशन कैसे सोल्व करते थे पहले फोर प्लस थ्री प्लस फोर ऐसे सोल्व करते थे ना इसलिए हम यहाँ पर एक्सप्रेशन यह के ऐसे एडिशन और सब्रैक्शन कर रहे हैं ठीक है थीके? अगर यहां पर माइनस थ्री आता है तो यह इसका सिंबल चेंज हो जाता है प्लस माइनस माइनस हो जाता है ठीक है इसलिए तो हम यहाँ पर इसे इसी मेथड से सॉल्व करेंगे ठीक है आई बात समझ में देन देखिए यहां पर नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं थ्री एक्स प्लस टू वाई वल टू ट्वेंटी तो हमें क्या करना है इन दोनों की एडिशन करनी है तो यहाँ पर प्लस प्लस यहाँ पर प्लस बन जाएगा प्लस प्लस यहाँ पर प्लस बन जाएगा प्लस प्लस यहाँ पर प्लस बन जाएगा इनके एडिशन करनी है ठीक है टेन प्लस थ्री थर्टीन एक्स तो ये आ जाता है थर्टीन एक्स प्लस माइनस ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे देर फोर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी नाइन कितने आ जाते यहाँ पर देखिए नाइन प्लस सिक्स फाइव यहाँ पर आ जाएगा वन कैरी फोर 4 आ गया देन उसके बाद फोर प्लस फाइव सिक्स आ गया ठीक है देयर फोर एक्स इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव बाई थर्टीन एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? आ जाएगी यहां पर फाइव आ जाएगी ठीक है थर्टीन फाइवी फाइव देयर फोर एक्स इज इक्वल टू फाइव आ गया लेट अभी देखिए यहां पर पुट x इज इक्वल टू फाइव इन इक्वेशन कौन से इक्वेशन में यहां पर पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं ठीक है देयर फोर पुट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव इन इक्वेशन y देर फोर फाइव एक्स माइनस 5 फाइव 5, 5 25 minus y is equal to एटीन अभी देखिए माइनस है तो हमें क्या करेंगे माइनस वाई को राइट हैंड साइड को भेज देते हैं और 18 को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आते हैं ठीक है थीके? 25 minus 18 बिकॉज एटीन इस साइड पे प्लस है तो इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाई है तो यहाँ पर इस रिसर्ट पे जाके प्लस हो जाएगा ट्वेंटी फाइव माइनस एटीन कितना जाते हैं सेवन देर फोर सेवन इज टू वाई मीन्स वाई इज इकवल टू सेवन आई बात समझ में तो वाई की वैल्यू क्या 7. की आ जाएगी सेवन एंड एक्स की वैल्यू आ जाएगी फाइव देयर फोर एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फाइव कॉमा सेवन ये बात ध्यान में रखना है यहाँ पर सेवन फाइव हमें लिखना नहीं है जो भी x का कोऑर्डिनेट है वो हमें फर्स्ट लिखना है ठीक है x का कोऑर्डिनेट क्या है फाइव है उसके बाद y का 7 है है ठीक x की वैल्यू सेवन है ठीक है आई बात समझ में तो फाइव बाई फाइव सेवन ही हम यहाँ पर लिखेंगे ठीक है फाइव कॉमस सेवन एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू फाइव कॉमासवन इज ओके आई बात समझ में तो अभी हम इसी इक्वेशन को मेथड टू से भी सॉल्व करके देखते हैं ठीक है थीके? तो यहां पर मेथड टू लिखेंगे ओके मेथड टू इक्वेशन क्या था हमारा थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन एंड सेकेंड था फाइव एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एटीन ओके मेथड टू क्या है हमारी थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी वाई इज इक्ल टूटी इन दैट देखिए क्या करना है हमें पर सब्सटीट्यूट करना है किसी एक की वैल्यू ठीक है यहाँ पर फिर से मैं इक्वेशन यहाँ पर लिख लेता हूं थ्री एक्स थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन ये हमारा फर्स्ट नंबर इक्वेशन बन जाएगा देन उसके बाद फाइव एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एटीन ये हमारा इक्वेशन नंबर टू बन जाएगा ठीक है तो इसकी वैल्यू क्या देखिए क्या आ जाएगी वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स ये एटीन प्लस है तो इस साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा मतलब माइनस एटीन आ जाएगा देयर फोर पुट वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस एटीन इन इक्वेशन वन बिकॉज हमने टू से y की वैल्यू फाइंड आउट की थी ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वन में डाल देंगे देयर फोर थ्री एक्स प्लस टू इन ब्रैकेट फाइव एक्स माइनस एटीन इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन देर फोर थ्री एक्स फाइव टू ज टेन टेन एक्स प्लस माइनस 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 थर्टी सिक्स एटीन टू दर्टी सिक्स आ जाएगा देर फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी देर फोर थर्टीन एक्स इज इक्वल टू ये माइनस थर्टी सिक्स है इस साइड पर जाएंगे प्लस हो जाएगा ट्वेंटी नाइन प्लस थर्टी सिक्स therefore 13x थर्टीन एक्स इज इक्वल टू नाइन प्लस सिक्स फाइव वन कैरी फोर यहाँ पर 6 आ जाएगा therefore x is equal to 65 by 13 बाई फोर एक्स इज इक्वल टू फाइव ये हमारा आंसर बन जाएगा ओके एक्स इज इक्वल टू फाइव तो एक्स की वैल्यू मिल गई हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थ्री में इसे हम इक्वेशन नंबर थ्री कहते हैं therefore फोर पुट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव इन इक्वेशन थ्री ओके okay, देर y वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स यहाँ पर x की जगह डायरेक्टली हम पुट कर लेते हैं फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव माइनस एटीन देर फोर ट्वेंटी फाइव माइनस एटीन क्या आ जाएगा ट्वेंटी फाइव माइनस एटीन सेवन करेक्ट y इज इक्वल टू सेवन तो ये हमारा आंसर आ गया ठीक है देर हमारा आंसर लास्ट आंसर क्या हो जाएगा x कॉमा वाई इज इक्वल टू फाइव कॉमा सेवन इज द सोल्यूशन ओके इज द सोल्यूशन यह हमारा सोल्यूशन बन जाए समझ में एग्जाम्पल नंबर थ्री है सोल फिफ्टीन एक्स प्लस सेवनटीन वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी वन एंड सेवनटीन एक्स प्लस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू इलेवन इन दैट देखिए यहां पर एक्स का वेरिएबल और इस साइड पे वाई का वेरिएबल ये सेम ही है और यहां पर वाई का वेरिएबल एंड इस या इस साइड पे एक्स का वेरिएबल ये कॉमन है तो अभी हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए अगर आप इलिमिनेशन से भी गए और या तो सब्सटीट्यूट से भी गए आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा तो पहले क्या करना है हमें ये दो दोनों इक्वेशन है इनकी एडिशन करनी है देन अगेन सेकेंड हमें इनके सब्ट्रैक्शन करना है तो ये हमें यहाँ से दो न्यू इक्वेशन मिल जाएंगे तो वो न्यू इक्वेशन जो है उनमें से हमें सब्सटीट्यूट मेथड या तो इलिमिनेशन मेथड हम वहाँ पर यूज करेंगे ठीक है तो पहले हम पर इक्वेशन नंबर नंबर इक्वेशन नंबर वन है ये इक्वेशन नंबर टू है ठीक है तो अभी लेट्स एड इक्वेशन नंबर वन एंड टू ओके नाउ इक्वेशन वन एंड टू एडिशन ऑफ इक्वेशन वन एंड टू देर फोर क्या आ जाएगा फिफ्टीन एक्स प्लस सेवेंटीन वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी वन एंड यहाँ पर सेवेंटीन एक्स प्लस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू इलेवन तो इनके एडिशन करें तो प्लस 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 यहाँ पर कोई माइनस नहीं तो यहाँ पर ये यह इसका प्लस यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस इसका मतलब सभी की हमें एडिशन करनी है ठीक है फिफ्टीन प्लस सेवनटीन कितना आ जाता है थर्टी टू थर्टी टू एक्स प्लस तो प्लस प्लस यहाँ पर प्लस थर्टी टू वाई इज इक्वल टू वन वन टू थर्टी टू आ जाए ठीक है नाउ डिवाइडिंग बोथ द साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय थर्टी टू ओके नाउ डिवाइडिंग थर्टी टू ओके नाउ हमें इसके दोनों को साथ, दोनों साथ को को हमने थर्टी टू से डिवाइड किया तो देखिए क्या बन जाएगा थर्टी टू एक्स प्लस थर्टी टू वाई डिवाइडेड बाय थर्टी टू इज इक्वल टू थर्टी टू बाई थर्टी टू तो ये कैंसिल होकर यहाँ पर वन आ जाएगा यहाँ पर जीरो नहीं आएगा थर्टी टू वन जा थर्टी टू यहां पर इसलिए वन आएगा देर फोर यहां पर देखिए क्या आ जाएगा थर्टी टू यहां पर ये थर्टी टू यहां पर प्लस का साइन है मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं थर्टी टू बाई थर्टी टू एक्स प्लस थर्टी टू बाय थर्टी टू वाई इज इक्वल टू वन देर पर यह भी यहाँ पर कैंसिल होकर वन आ जाएगा मतलब वन एक्स वन एक्स लिखा या तो एक्स ही लिखा तो कोई बात नहीं डायरेक्टली हम एक्स प्लस वल टू वन लिखेंगे हमारा इक्वेशन नंबर थ्री बन जाता है ठीक है नाउ सब इक्वेशन वन एंड टू अभी हमें ये दोनों के सब्ट्रैक्शन करना है ठीक है इसका मतलब देखिए यहां पर नाउ लेट सब ट्रैक्टिंग ओके सब इक्वेशन टू फ्रॉम वन ओके टू फ्रॉम वन टू जो है वन से हम सब्ट्रैक कर लेते थी, हैं ठीक है यहां पर देखिए क्या आ जाएगा फिफ्टीन एक्स प्लस सेवनटीन वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी वन एंड सेवेंटीन एक्स प्लस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू इलेवन ओके तो इनका हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो इनका हमें सब्ट्रैक्शन करना है देखिए यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस बन जाएगा यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस मतलब हमें फिफ्टीन एक्स माइनस सेवनटीन एक्स क्या आ जाता है इसका आंसर प्लस माइनस माइनस साइन किसका देखिए हम बड़े वाले का मतलब यहाँ पर टू एक्स आ जाएगा मतलब माइनस टू एक्स ओके माइनस टू एक्स और यहाँ पर देखिए प्लस सेवनटीन वाई माइनस फिफ्टीन बिकॉज ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है इसका फिफ्टीन का साइन माइनस हो जाएगा देयर फोर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेवनटीन वाई माइनस फिफ्टीन वाई बिकॉज यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा देयर फोर टू वाई इसका आंसर आ जाएगा प्लस टू वाई बिकॉज सेवन सेवनटीन का साइन यहाँ पर प्लस है फोर प्लस टू वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी वन माइनस इलेवन कितना जीरो एंड वन ना वी डिवाइडिंग बोध द साइड ऑफ दिस इक्वेशन बाई टू तो इसको अगर हम यहाँ पर डिवाइड करें डिवाइडिंग जिससे हमने फर्स्ट किया था डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय टू देखिए डायरेक्ट में यहाँ पर आंसर लिख लेता हूं Two, मतलब ये आ आ जाएगा आ जाएगा बिकॉज़ हम लिखे तो नहीं, नहीं लिखे कोई बात नहीं प्लस टू बाई टू यहाँ पर भी वन आ जाएगा तो यहाँ पर डायरेक्टली हम वाई हम लिख लेते हैं ठीक है वाई इज इक्वल टू टेन बाई टू यहाँ पर आ जाता है फाइव टेन डिवाइड बाई टू यहाँ पर आ जाएगा five, हमें दोनों साइड को भी टू से डिवाइड करना है ठीक है देयर वल टू फाइव ये हमारा नया इक्वेशन बन गया ठीक है देखिए थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों भी हमारे नई इक्वेशन अभी हमें इससे सॉल्व करना है ठीक है अभी हम फिर यहां पर नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा एक्स प्लस वाई इज टू वन ये हमारा था थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ वाला इक्वेशन क्या बन गया था हमारा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव ओके ये हमारा फोर्थ इक्वेशन था ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे देखिए सब्सटीट्यूट मेथड यूज करो या तो इलिमिनेशन मेथड करो दोनों भी आप यूज कर सकते हैं ठीक है हम दोनों मेथड से भी इसे सोल्व कर, कर सकते हैं ठीक है दिखे? कोई बात नहीं देखिए सभी का जो वेरिएबल है यहाँ पर वन है एक्स का भी वन है यहां पर भी वन है यहाँ पर भी वन है यहां पर भी वन है, 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 है तो आप एडिशन करिए तो सब टर्शन करें ठीक है फर्स्ट हम करेंगे एडिशन ठीक है एक्स नाउ एड इक्वेशन थ्री एंड फोर ठीक है तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव तो इनके हमें एडिशन करनी तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस ठीक है प्लस माइनस माइनस हो जाए मतलब ये प्लस एक्स माइनस एक्स गया प्लस वाई प्लस वाई मतलब ये वन वाई प्लस वन वाई इज इक्वल टू टू वाई टू वाई इज इक्वल टू वन प्लस देर फोर वाई इज इक्वल टू सिक्स बाई टू वाई इज इक्वल टू थ्री यही बात समझ में वाई की वैल्यू आ गई थ्री और अगर मैंने y इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन थ्री में पुट किया देर फोर पुट वाई इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन थ्री देखिए क्या आ जाएगा इसका आंसर x प्लस थ्री इज इक्वल टू वन देर x एक्स इज इक्वल टू वन माइनस थ्री देर फोर एक्स इज इक्वल टू आंसर जाता है माइनस टू अगली बात समझ में माइनस टू आ जाएगा x का कोइफिशेंट माइनस टू आ जाएगा x का x की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी और y की वैल्यू थ्री आ गई ठीक है हमने ये इलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व किया ठीक है हमने पर किया बट हम यहाँ पर इसे सब्सिट्यूट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं ठीक है कैसे करेंगे देखिए यहां पर ये जो फर्स्ट इक्वेशन थर्ड वाला इक्वेशन जो है यहाँ पर मैं फिर से लिख लेता हूँ मेथड टू यहां पर मैं लिख लेता हूँ ठीक है y इज इक्वल टू लिखूंगा मैं y इज इक्वल टू वन माइनस एक्स ये हमारा इक्वेशन फोर लिखेंगे ओके okay? पुट फोर देर फोर देखिए क्या आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस इन ब्रैकेट वन माइनस एक्स इज इक्वल प्लस माइनस हो जाता है माइनस एक्स आ जाएगा यहां पर फाइव देर फोर माइनस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा एडिशन हो जाएगी माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फाइव ये प्लस वन इस साइड पर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2x 5 minus 1, minus 2x 4, और ये माइनस टू एंड एक्स का रिलेशन क्या है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का लेते हैं नूमे टन में तो माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू देर फोर एक्स इज इक्वल टू टू वन जा माइनस टू आ गया देखिए दोनों मेथड से भी y की वैल्यू एंड x की वैल्यू सेम ही आती है ठीक है एक्स की वैल्यू माइनस टू नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन नंबर फाइव ठीक है क्या आ जाएगा वन माइनस माइनस प्लस टू इज इक्वल टू थ्री अब समझ में वाई की वैल्यू थ्री आ गई तो दोनों मेथड भी हम सोल्व कर सकते ठीक है समझ में तो ये जो क्वेश्चन था जस्ट हमें ध्यान रखना है यहाँ पर जो कोइफिशियंट है किसी भी वेरिएबल का अगर यहाँ पर चेंज हो रहा है एक्स का कोफिशंट इस साइड पे जाके वाई का हो रहा है और इसका एक्स का कोफिशियंट यहाँ पर वाई में आ रहा है तो हमें क्या करना है इन दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करना है देन सब्ट्रैक्ट करना है देन उसके बाद हमें टू न्यू इक्वेशन मिल जाएंगे तो वो जो न्यू इक्वेशन मिल जाएंगे उसको हमें इलिमिनेशन मेथड या तो सब्ट्रैक्शन या तो सब्सटीट्यूट मेथड से हमें सॉल्व करना है तो उससे हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल जाएगी ठीक है आई थिंक आपको ये सभी इक्वेशन जो है अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे ठीक है तो स्टूडेंट्स ये जो पार्ट वन है वीडियो का पार्ट नंबर चैप्टर नंबर वन लीनियर वेरिएबल्स, तो ये पार्ट नंबर वन हम यहां पर ही एंड करते थे जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है उसमें थैंक यू